Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. Finally, Realme ने Realme 2 Pro स्मार्टफोन को ऑफिशियली रिलीज कर दिया है, वो भी बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे। ये फ़ोन का जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, इसकी प्राइस रखी गई है 13,990 रुपये। एक्चुअली में मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ तो इस फोन ने सारे फोन को इसी प्राइस पॉइंट पे लिटरली किल कर दिया है। जी हाँ, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इस फोन में ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपको इस प्राइस पॉइंट पे आज की डेट में कोई और स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस फोन के ओवरऑल इम्पोर्टेंट फीचर्स बता रहा हूँ। सबसे पहले फीचर्स की बात करूं तो ये है इस फोन का लुक एंड डिजाइन। तो इस फोन की डिजाइन काफी एट्रेक्टिव और प्रीमियम किस्म की लगती है। बैक साइड पे आपको पॉलीकार्बोनिक बिल्ड देखने को मिलेगी जो ग्लॉसी फिनिश के साथ में आती है, जिसकी वजह से आपको ये फोन ग्लास फिनिश वाला दिखाई देता है, लेकिन ये ग्लॉसी फिनिश है। राउंडेड कॉर्नर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से तो आपको काफी अच्छी ग्रिप देखने को मिलती है। बैक साइड पे फिंगरप्रिंट की प्लेसमेंट दी गई है और नीचे की तरफ Realme की ब्रांडिंग दी गई है। सेकेंड फीचर्स की बात करूं तो ये है इस फोन का प्रोसेसर, जो किसी भी फोन के लिए एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। तो इस फोन में हमें Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। अब ये Qualcomm Snapdragon 660 जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, और इसमें जो थोड़े फीचर्स हैं वो Snapdragon 835 के दिए गए हैं। अब आप जानते होंगे Snapdragon 835 जो प्रोसेसर है वो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो Samsung Galaxy S8 में आता था। तो हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर से। ये प्रोसेसर 14 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस हैं, मतलब आपको काफ़ी पावर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। इस प्रोसेसर का जो खास फीचर्स हैं वो हैं, आपको Qualcomm की क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट मिलता है, तो हमें क्विक चार्ज का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो। इस प्रोसेसर का एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, ये प्रोसेसर ब्लूटूथ 5.0 को भी सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ 5.0 के साथ हम दो डिवाइस को एक साथ पेयर कर सकते हैं, और इस प्रोसेसर में फास्टर मॉडेम आता है तो आपको वाईफाई की स्पीड और नेटवर्क की स्ट्रेंथ बेटर देखने को मिलेगी। और इस प्रोसेसर के साथ हमें एक नया जीपीयू देखने को मिलता है, एड्रेनो 512 जीपीयू। तो ग्राफिक के डिपार्टमेंट में अप टू 30% जितना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब प्रोसेसर तो काफी पावरफुल है और पावर एफिशिएंट है, तो आपको इस फोन के परफॉर्मेंस से कोई भी शिकायत नहीं होगी। थर्ड फीचर्स की बात करूं तो ये है इस फोन का वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले। जी हाँ, इस फोन में हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, जो इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा फीचर्स हैं। अब वाटर ड्रॉप नॉच का बेनिफिट ये है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91% जितना मिल जाता है। इसका मतलब ये है ज्यादा स्क्रीन का एरिया देखने को मिल जाता है। 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसको प्रोटेक्ट किया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन से। तो ये एक अच्छी चीज है, डिस्प्ले के केयर के लिए थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिल जाती है। फोर्थ रीजन की बात करूं तो ये है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट। काफी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया जाए, तो फाइनली Realme ने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से आप एट अ टाइम ड्यूअल सिम और मेमोरी कार्ड को भी लगा सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे चीजों की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, यहाँ पे हम सब यूज करते हैं मल्टीपल सिम कार्ड, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत ही जरूरी होती है जब आप एक नया फोन खरीदते हैं तो यहाँ पर ये फोन ड्यूअल 4G को भी सपोर्ट करता है और ड्यूअल वॉल्टी को भी सपोर्ट करता है, जो एक अच्छी बात है। छठे फीचर्स की बात करूं तो ये है इस फोन का कैमरा। बैक साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्यूअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, 16+2 मेगापिक्सल, और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा। लेकिन सोशल मीडिया पे Realme ने जो पिक्चर्स के सैंपल बताए थे उसके हिसाब से ये फोन का कैमरा काफी अच्छा रहने वाला है मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में। तो ऑल इन ऑल जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो Realme 1 और Realme 2 से अच्छी रहने वाली है।
सातवें फीचर्स की बात करूं तो ये हैं इस फोन के वेरिएंट्स और उसके प्राइस। तो यहां पे Realme ने काफी एग्रेसिव प्राइस रखी है सभी वेरिएंट्स की। 4GB रैम वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी गई है 13,990 रुपए और जो 6GB रैम वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी है 15,990 रुपए और जो 8GB रैम वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी है 17,990 रुपए। लास्ट फीचर्स की बात करूं तो ये हैं इस फोन की बैटरी। इस फोन में हमें 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको लगेगा बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम है, लेकिन इस फोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। तो आपको आपके यूजेस पैटर्न के हिसाब से 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो ये थे इस फोन के इम्पोर्टेंट फीचर्स, लेकिन आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको इस फोन का कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।